मार्ग में तो नहीं चलेंगे, गरीबों को तंग करना बंद करो, गरीबों को तंग करना बंद करो। अर्जी सरकार होश में आओ, अर्जी सरकार होश में आओ, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दा। बिजली विभाग के खिलाफ था, आप देख सकते हो प्रीपेड और स्मार्ट मीटर्स के नाम पे ये लोगों को लूटा जा रहा है। आप मुझे बताइए मीटर्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारे पास ऑलरेडी मीटर्स थे, वो यूनिट्स नहीं बता रहे थे, उस पर बिल नहीं आता था। इन सरकारों का काम सिर्फ लोगों को लूटना है। आप मुझे बताइए कोविड के बाद अभी लोग थोड़े से स्टेबल हुए हैं, अभी लोगों ने अपना रोजगार की तरफ अपना हाथ रखा है। जिस घर की इनकम 10,000 रुपये है वो 3 से 4 हज़ार बिल कहाँ से देगी? सबसे ज़्यादा इससे जो सफ़र कर रही है मेरी वीमेंस कर रही है, मेरी महिला विंग कर रही है इससे, क्योंकि जो घर का बजट चलाना होता है, एक लेडी को चलाना होता है। आप मुझे बताओ ये मीटर्स लगा रहे, मैं सिंगल फेज का मीटर अगर इनकेस जल जाएगा तो उसका 20,000 उसको वापिस लगाने में लगेगा। आप मुझे बताइए इतना लोग, एक आम इंसान इतना पैसा ये कहाँ से देगी? इन्होंने सिर्फ आम सरकारों ने सिर्फ लोगों को तंग करने का ठेका लेके रखा है, चाहे महंगाई के नाम पे ले लो। इन्होंने पहले 450 का सिलेंडर 1150 का किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इन लोगों को कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर इन्होंने लोगों की पेंशन तक बंद कर दी, लोग सड़कों पे उतरे। इन लोगों को ये गूंगी बहरी सरकारें हैं, ये एसी के रूम में बैठ के फैसले लेती हैं, इनको ये सड़कों पे उतरे ना। आप मुझे बताओ 43 टेम्परेचर में ये मेरी महिला विंग, ये मेरे भाई सारे सड़कों पे क्यों उतरे? लोगों के लिए, क्योंकि ये लोगों की डिमांड है, ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की डिमांड नहीं, ये लोगों की डिमांड है कि ये लोगों के साथ गलत हो रहा है। अगर ये लोग इन्होंने लोगों के साथ गलत करना नहीं कम किया तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सड़कों पर उतरेगी, इसकी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन खुद होगी।